Hello everyone, welcome back to my channel. So, here in this video, we are going to discuss all the GATE questions, almost all the questions that have been asked on semaphores. Okay, so let's start. So, the next question is which has been asked in GATE 2010. It has been asked in GATE 2010. So the question is the following program consists of three concurrent processes P0, P1, and P2, and three binary sema 4 and they are initialized. Three binary S4 are S0, S1, and S2, and they are initialized as S0 is equal to 1 and 0 and 0. Like this. And the three codes have been given of process P0, P1, and P2. And the question is kiju process. ये जो प्रोसेस पी जीरो के अंदर ये प्रिंट जीरो लिखा है ये प्रोसेस पी जीरो कितनी बार जीरो प्रिंट करेगा ठीक है ये क्वेश्चन है तो आंसर में है एटलीस्ट ट्वाइस एग्जैक्टली ट्वाइस एग्जैक्टली थ्राइस एग्जैक्टली वंस ठीक है तो हमको इस आंसर को लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक तो देखो एक बार तो ये सॉल्व कर एक बार तो ये प्रिंट कर ही लेगा एस जीरो की वैल्यू वन है ठीक वेट ऑन एस जीरो परफॉर्म करेगा तो इसको मिल जाएगा वन को जीरो करेगा और प्रिंट जीरो कर देगा ठीक देन रिलीज एस वन रिलीज एस टू ठीक तो एक बार तो ये प्रिंट करेगा ही ठीक लेकिन और कितनी बार प्रिंट करेगा तो डी ऑप्शन ऐसा है कि एग्जैक्टली exactly वंस है कि एक से ज्यादा है ये हमको चेक करना है ठीक तो देखो सबसे पहले हम एक ऑर्डर ले लेते हैं कि पहले पी जीरो क्योंकि उसी का वन है कोई भी किसी भी प्रोसेस को चांस मिल सकता है राइट right? लेकिन अगर पी वन को चांस मिलता है तो वेट ऑन एस वन परफॉर्म करेगा एस वन की वैल्यू क्या है जीरो तो इट विल वेट हियर ओनली अगर पी टू को चांस मिलता है तो वेट ऑन एस टू परफॉर्म करेगा इट विल वेट हियर ओनली तो दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे ठीक तो प्रोसेस पी ज़ीरो जब एग्जीक्यूट करेगा तो उसको चांस मिलेगा तो वेट ऑन एस जीरो परफॉर्म करेगा सो इट विल डाउन इसको वन से लेकर वन से इसको क्या करेगा जीरो अपडेट करेगा एंड देन प्रिंट करेगा ज़ीरो एक बार ये जीरो प्रिंट करेगा राइट जीरो प्रिंट करेगा एक बार एंड देन रिलीज एस वन इट विल रिलीज एस वन इसको वन कर दिया और फिर रिलीज एस टू इसको भी वन कर दिया एंड देन मान लो इसके बाद पी जीरो को शेड्यूलर ने सेलेक्ट नहीं किया ठीक सी हियर वाइल्ड ट्रू ये लिखा हुआ है तो पी जीरो जितनी बार चाहे उतनी बार इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है वेयर एस पी वन एंड पीटू देर इज नो वाइल्ड स्टेटमेंट ठीक है तो ये एक ही बार एग्जीक्यूट होने वाले हैं ये एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट नहीं होंगे ठीक तो पी जीरो पहले एग्जीक्यूट हुआ एक बार प्रिंट किया जीरो और जब वो एग्जीक्यूट होकर निकला उस समय उसने एस वन और एस टू को भी रिलीज कर दिया तो अगर अब इसके बाद पी वन को चांस मिलता है दिस पी वन को चांस मिलता है पी वन एक्जीक्यूट करता है ठीक तो दो बार प्रिंट होगा कि नहीं अब हम ये देखते हैं एक बार तो प्रिंट होगा दूसरी बार प्रिंट होगा कि नहीं ये हम देख रहे हैं ऐसा कंडीशन लेकर आ रहे हैं ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ठीक तो अगर पीवन को चांस मिलता है तो पीवन जो वेट कर रहा था एस के लिए अब उसको मिल जाएगा इट विल कम इन एंड रिलीज S0, S0 को रिलीज करेगा मतलब वेट ऑन S0 हुआ था लेकिन रिलीज नहीं हुआ था मतलब सिग्नल ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये फिर से जीरो को क्या कर देगा वन कर देगा ठीक है तो पी जीरो चाहिए तो दोबारा जा सकता है जब उसको चांस मिले तो ठीक लेकिन अभी हम उसको ऐसा नहीं कर रहे हैं तो पी वन जब ऐसा किया तो उसने उसके पास दो ही स्टेटमेंट थे उसने एग्जीक्यूट कर लिया और ये टर्मिनेट हो गया एंड देन प्रोसेस पी टू को चांस मिलता है मान लो ठीक प्रोसेस पी टू को अगर चांस मिलता है तो प्रोसेस पी टू देखो ये वाई ट्रू दिया है मतलब आपको एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना है तो वाई पी टू क्या कर रहा है वेट ऑन एस टू वेट कर रहा था वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा रिलीज एस जीरो तो ऑलरेडी रिलीज है तो ये वन को फिर से वन अपडेट कर देगा बट इट्स का कोई मीनिंग नहीं है ठीक मान लो पी टू के बाद पी जीरो को फिर से चांस मिलता है ठीक तो पी जीरो को फिर से चांस मिलता है तो ये वेट ऑपरेशन आराम से परफॉर्म कर सकता है और फिर से एक बार ज़ीरो प्रिंट करेगा और फिर रिलीज एस वन और रिलीज एस टू इसको जो जीरो हो चुके थे उसको फिर से वन कर देगा राइट सो इन दिस वे इन दिस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन वी आर गेटिंग टू टू टाइम्स ज़ीरो प्रिंटेड राइट उसके बाद एक और एक चीज़ हम एक और ऑर्डर हम ले सकते हैं लाइक like अगर सबसे पहले हम पी ज़ीरो को एग्जीक्यूट करें तो वो ज़ीरो प्रिंट करेगा ठीक वेट तो यहाँ पे एस ज़ीरो की इस समय एस ज़ीरो की वैल्यू वन रहेगी एस वन की वैल्यू ज़ीरो रहेगी एस टू की वैल्यू भी जीरो रहेगी ठीक है तो एस वन को इसने डाउन किया पी ज़ीरो ने और ज़ीरो प्रिंट किया रिलीज़ एस वन किया ठीक है रिलीज एस वन करने के बाद मान लो यहाँ पे कंटेक्ट स्विचिंग होती है ठीक कंटेक्ट स्विचिंग होने के बाद पी वन को चांस मिलता है रिलीज एस वन करता है एंड देन रिलीज एस टू करता है तो इसको वन कर दिया इसने इसको भी वन कर दिया मतलब पी टू पी वन और पी टू फिर से जाना चाहें तो वो जा सकते हैं ठीक अगर पी जीरो के एग्जीक्यूट होने के बाद पी वन को चांस मिलता है पी वन एग्जीक्यूट करता है वेट ऑन एस वन ठीक वेट ऑन एस वन परफॉर्म करता है वेट ऑन एस वन परफॉर्म करते ही इसको जीरो करेगा और रिलीज़ एस ज़ीरो करेगा मतलब जो ज़ीरो हो गई थी वैल्यू इसको वन से अपडेट करेगा अब अगर वन से अपडेट करता है दैट डज इट मीन कि अगर पी ज़ीरो सेलेक्ट हो जाए तो वो फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा राइट right? पिछली बार हमने सेलेक्ट नहीं किया था इस बार हम सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक तो अब P1 जो है एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो चुका है वो फिर से नहीं आएगा सीन में क्योंकि उसके पास वाइल्ड लूप नहीं था दो ही स्टेटमेंट थे तो P0 को अगर फिर से शेड्यूलर सेलेक्ट करता है P0 और P2 बचे हुए पी जीरो को सेलेक्ट करता है तो उसको S0 मिल जाएगा वेट ऑन S1 इसको डाउन करेगा जीरो प्रिंट फिर से एक जीरो प्रिंट करेगा रिलीज करेगा एस को है ना रिलीज करेगा एस को और रिलीज करेगा एस टू को विच इज ऑलरेडी बीन रिलीज ठीक तो P1 का ये S1 को फिर से वन कर देने का कोई मीनिंग तो बन नहीं रहा है क्योंकि वो तो एग्जीक्यूट हो चुका है उसके स्टेटमेंट्स अब P2 बचा हुआ है मान लो इसके बाद P2 को चांस मिलता है तो P2 क्या करेगा वेट ऑन S2 परफॉर्म करेगा इसको ज़ीरो करेगा एंड एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड देन रिलीज S0 करेगा अगेन इट ये जीरो को क्या कर देता है वन ठीक तो अगर अब चाहे पी तो फिर से जा सकता है क्लियर तो मान लो पी के बाद पी जीरो फिर से एग्जीक्यूट हो जाता है क्योंकि रिलीज एस जीरो हो गया तो उसको फिर से चांस मिल गया वो फिर से एग्जीक्यूट होता है वेट ऑन एस जीरो उसको फिर से ज़ीरो करेगा एक बार और प्रिंट करेगा ठीक तो रिलीज़ S1 वन रिलीज एस टू ठीक है लेकिन पी वन और पी टू तो एग्जीक्यूट हो चुके हैं तो कोई बात नहीं बट यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल रहा है ऑप्शंस को देखने के बाद हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं ये दो ऑर्डर देखने के बाद ऑप्शन में लिखा है एग्जैक्टली ट्वाइस नो एग्जैक्टली ट्वाइस तो नहीं है दो से ज़्यादा बार भी प्रिंट हो रहा है ठीक तो एग्जैक्टली exactly वंस भी गलत हो गया डी ऑप्शन बी ऑप्शन भी गलत हो गया एग्जैक्टली ट्वाइस एंड एग्जैक्टली थ्राइस भी नहीं बोल सकते आप देखिए यहाँ पे हमने टू भी प्रिंट किया है तो टू भी टू टू भी प्रिंट हो रहा है दो बार भी प्रिंट हो रहा है जीरो थ्री टाइम्स भी प्रिंट हो रहा है तो एग्जैक्टली exactly थ्राइज हम नहीं बोल सकते सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट दैट इज़ एटलीस्ट ट्वाइस ठीक है दो भी प्रिंट हो, हो रहा है थ्री भी प्रिंट हो रहा है right so in this way this this gate 2010 question has been solved and here the option a is correct okay let's move to the next question so here in this question this is also gate level question i don't remember the year when it has been asked so here each process pi that is i is 0 to 9 that is meant जैसा यह दिया हुआ है पी म्यूटेक्स एंड देन सी क्रिटिकल सेक्शन इट इज रिपीटेड ठीक है यहाँ रिपीट लिखा हुआ यहाँ भी रिपीट लिखा हुआ जितनी बार चाहे उतनी बार जा सकते हैं ठीक तो इसमें म्यूटेक्स जो लिया हुआ है इट इज इनिशियलाइज टू वन देर इज एनदर प्रोसेस दैट इज पी टेन आफ्टर जीरो टू नाइन में टेन प्रोसेस हो गए द इलेवेंथ प्रोसेस दैट इज नंबर्ड एज प्रोसेस आई डीजेन पी टेन ये जस्ट अपोजिट इसका कोड है वी म्यूटेक्स पहले है पहले सिग्नल ऑपरेशन कर रहा है फिर वेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है राइट right? तो इसमें क्वेश्चन यह है कि वॉट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी मोमेंट ठीक है हमको यह फाइंड आउट करना है कि इन इलेवन प्रोसेस में से वॉट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी पॉसिबल और बी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन है ना और रेस कंडीशन लेकर आ जाए तो ये देखने के लिए जस्ट सी पी म्यूटिक्स म्यूटिक्स की वैल्यू वन है ठीक तो हमको देखना लार्जेस्ट वैल्यू क्या है तो ऐसे कंडीशन हमको क्रिएट करना है तो हम पहले पी में से मान लो हम चाहते हैं कि पी में से कोई एक प्रोसेस मान लो जीरो प्रोसेस ही पी जीरो पी जीरो इज इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन ठीक तो उसने क्या किया म्यूटिक्स को वन से क्या कर दिया जीरो और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया उसके बाद जितने प्रोसेस हैं वन टू थ्री फोर फाइव या तो वो रिक्वेस्ट करने आएंगे क्रिटिकल सेक्शन के लिए या तो नहीं आएंगे ठीक है लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट करने आते हैं तो क्या हो जाएगा पी वेट में ही वो स्टक हो जाएंगे वाइल्ड लूप में दे कैन नॉट एंटर्ड इन टू इट्स क्रिटिकल सेक्शन बट इन जब पी जीरो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है उस टाइम पे प्रोसेस पी टेन आता है तो उसका कोड जस्ट अपोजिट है पहले वो म्यूटेक्स कर रहा है ठीक है सी सीमा फोर इज अ सिग्नलिंग मैकेनिज्म इफ वन प्रोसेस हैज़ लॉग्ड इट another process प्रोसेस कैन सिग्नल इट ठीक है तो वही काम यहाँ पर पी टेन कर रहा है दिस प्रोसेस हैज़ एग्जीक्यूटेड सिग्नल म्यूटेक्स मतलब इसने क्या किया मान लो अब पी जीरो के बाद सीधे पी टेन आता है तो पी टेन क्या कर रहा उसका है उसका कोड है वी म्यूटेक्स मतलब उसने सिग्नल कर दिया जीरो को क्या कर दिया एक इंक्रीमेंट कर दिया वन हो गया अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला गया दोनों ही क्रिटिकल सेक्शन सेम है ठीक तो अब पी टेन दिस दिस इज द सेकेंड प्रोसेस विच इज इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन ठीक अब क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में है और इस बीच में अगर कंटेक्ट स्विचिंग हो जाती है और प्रोसेस पी जीरो के अलावा जो वन से लेकर नाइन तक जितने प्रोसेस हैं उनमें से किसी एक को चांस मिल जाता है तो दैट प्रोसेस विल गेट द म्यूटेक्स एनी प्रोसेस ठीक है तो एनी प्रोसेस ऑफ दीज नाइन प्रोसेस में से कोई भी म्यूटेक्स ले सकता है और उसको डाउन करके क्रिटिकल सेक्शन में आ सकता है मान लो प्रोसेस पी टू ने एग्जीक्यूट किया और वो क्रिटिकल सेक्शन में आ गया सो so, तो एट ए टाइम थ्री प्रोसेस कैन बी देयर इन साइड द क्रिटिकल सेक्शन राइट इनमें से कोई दो और ये एक अगर ये बार बार भी जाएगा तो उस समय कोई ना कोई क्रिटिकल सेक्शन में होगा अगर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर होगा तो एट ए टाइम लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन इज थ्री ओके इन दिस वे क्योंकि पीटेन का जो कोड है जस्ट अपोजिट है तो वो सिग्नल कर दे रहा है एट ए टाइम थ्री प्रोसेस कैन बी देयर इन साइड द क्रिटिकल सेक्शन एंड क्रिएट द केस ठीक सो दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व लाइक दिस होप यू हैव अंडरस्टूड द नेक्स्ट सो दिस क्वेश्चन हैज बिन आज इन गेट टू थाउजेंड थर्टीन जस्ट सी टू द स्क्रीन A shared variable x initialized to 0, x is a shared variable here, which is initialized to 0 and is operated on by 4 concurrent processes. What are those? w, x, y, and z. 4 concurrent processes. Each of the processes, w and x, w and x read x from memory, increments by 1, and stores it to the memory and then terminates. तो so, W को मैं ऐसा कर देती हूं रीड x, x, x ठीक है एंड इंक्रीमेंट इट बाय वन एंड देन स्टोर इट राइट X इन द सेम वे ये भी परफॉर्म कर रहा है X इज इक्वल टू X प्लस वन डब्ल्यू एक्स ठीक रीड और राइट हो गया क्या बोलता है ईच ऑफ द प्रोसेस Y एंड Z रीड read, रीड्स x फ्रॉम मेमोरी डिक्रीमेंट बाई टू स्टोर्स इट टू मेमरी इन देन टर्मिनेट्स ठीक है इन द सेम वे हम इसका कोड अगर लिखें तो ये पहले रीड करते हैं एक्स की वैल्यू को राइट एक्स एंड देन सिग्नल इन द सेम वे ये भी रीड करता है एक्स की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट करता है एंड देन राइट करता है और सिग्नल करता है ठीक सो दीज आर द फोर प्रोसेसेस गिवन लाइक दिस और उसके बाद क्या बोल रहा है ईच प्रोसेस बिफोर रीडिंग एक्स इन वोक्स द पी ऑपरेशन हाँ मैंने कर दिया ऑन अकाउंटिंग काउंटिंग सीमा फोर एस है ना ये काउंटिंग सीमा फोर है देखो प्लस वन हो रहा है माइनस टू हो रहा तो counting है तो काउंटिंग सीमा फोर है ठीक ऑन द सीमा फोर एस आफ्टर स्टोरिंग एक्स टू मेमरी सीमा फोर एस इज इनिशलाइज टू एस इज इनिशलाइज टू टू एक्स वॉट इज़ द मैगजिम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर ऑल प्रोसेस कम्प्लीट एग्जीक्यूशन ये है आपका क्वेश्चन ठीक है मैग्जिम पॉसिबल वैल्यू मतलब एक्स की मैगजिम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी मतलब पॉजिटिव की बात करा है देखो यहाँ पर डिक्रीमेंट भी हो रहा है ठीक तो मैगजिम वैल्यू क्या होगी तो आप खुद सोच के देखिए एस की वैल्यू यहाँ पर टू है ठीक और x की वैल्यू इनिशियली ज़ीरो है तो हम ये प्लस वन कर रहा है ये प्लस वन कर रहा है ये दोनों माइनस टू माइनस टू कर रहे हैं तो अगर ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे तो ये तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो हमको इस वे में काम करना है कि किस तरीके से हम जाएँ मैक्सिमम पूछ रहा है तो वी विल परफॉर्म लाइक दिस सी लेट्स किसी को भी चांस मिल सकता है ठीक है डब्ल्यू एक्स वाई जेड में से किसी को भी चांस मिल सकता है ठीक तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो कोई बात नहीं लेकिन वो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बताइए जिसमें आपको एक्स की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी ठीक हमको ये बताना है तो हम ये लेते हैं डब्ल्यू को स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू स्टार्ट करते हैं ठीक तो जो डब्ल्यू स्टार्ट होता है तो एस की वैल्यू को पहले एक डिक्रीमेंट करता है वन करता है एंड रीड करता है एक्स को ज़ीरो एक्स रीड जैसे ही करता है एस को यहाँ पर कंटेक्ट स्विचिंग हो जाती है ठीक एक्स को इसने रीड कर लिया है लेकिन अपडेट नहीं किया है ठीक यहाँ पर कंटेक्ट स्विचिंग होती है और वाई को चांस मिलता है अब वाई एग्जीक्यूट करता है तो वाई भी पी ऑफ एस ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड वन को एक डिक्रीमेंट करेगा जीरो हो जाएगा ये ठीक आर ऑफ एक्स करेगा रीड करेगा एक्स की वैल्यू जीरो ही रीड करेगा और एक्स की वैल्यू को क्या कर देगा माइनस टू ठीक जब फिर राइट कर दिया जब सिग्नल करेगा तो ज़ीरो हो जाएगा वन राइट right? वाई के बाद हम जेड को एग्जीक्यूट करते हैं जब हम जेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इट विल गेट द सीमा फोर पी ऑफ एस ठीक इट विल गेट द सीमा फोर बाई डिक्रीमेंटिंग वन इन वेट ऑपरेशन रीड द एक्स क्या रीड करेगा माइनस टू माइनस टू में और एक माइनस माइनस टू माइनस टू मतलब ये क्या हो गया माइनस फोर हो गया एंड राइट कर देगा तो एक्स की वैल्यू अब क्या हो गई माइनस फोर ठीक और जब सिग और जब सिग्नल ऑपरेशन करेगा तो ये क्या हो जाएगी ठीक तो अब देखो W एग्जीक्यूट हो गया डब्ल्यू w, w का कंटेक्ट स्विचिंग हो गया यहां पर एंड देन Y एंड Z टोटली totally एग्जीक्यूट हो गए हैं X की वैल्यू हमारी अभी माइनस फोर है सीमा फोर की वैल्यू अभी है वन इन दिस सिनारियो लेट्स हैव कि जो W है वो फिर से एग्जीक्यूट होता है जहां उसका कंटेक्ट स्विचिंग हुआ था तो हम उस डब्ल्यू को ठीक है एग्जीक्यूट करते हैं तो डब्ल्यू कंटेक्ट स्विचिंग कंटेक्ट स्विचिंग हुई थी तो डब्ल्यू पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो हम डब्ल्यू को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं इट विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर फ्रॉम वेयर इट हैज़ लेफ्ट ऑफ ठीक है तो ये एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन करेगा लेकिन एक बात ध्यान देने की है इसने रीड क्या की है एक्स की वैल्यू ज़ीरो रीड की है अभी एक्स की वैल्यू माइनस फोर है इट हैज़ ऑलरेडी रेड दैट एक्स ठीक तो एक रीड किया एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन किया तो वो क्या हो गई जीरो प्लस वन इज वन अब इसे राइट करेगा तो ये क्या माइनस फोर को क्या राइट कर देगा वन राइट कर देगा राइट और इसके बाद अगर एक्स को चांस मिलता है एग्जीक्यूट होने का तो ये ये जो है एक इंक्रीमेंट कर देगा ये वापस आके तो ये हो जाएगा टू अब जब एक्स को चांस मिलता है तो एक्स क्या करेगा एक्स सब फर्स्ट सबसे एक पहले इसको डिक्रीमेंट करेगा रीड करेगा एक्स की वैल्यू वन एंड एक इंक्रीमेंट करेगा दैट इज़ टू हो जाएगी अपडेट करेगा ठीक

इंक्रीमेंट करना तो डेफिनेटली मैक्सिमम करेंगे तो हमको इस तरीके से कंटेक्ट स्विचिंग करना है अगर यहाँ पर ये बोल देता कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी है ना व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स तो हम क्या करते हैं हम वाई को एग्जीक्यूट करते यहाँ पर कंटेक्ट स्विचिंग करते और डब्ल्यू और एक्स को एग्जीक्यूट कर लेते और उसके बाद वाई और जेड को एग्जीक्यूट करते तो हमको मिनिमम वैल्यू एक्स की क्या मिल जाती माइनस फोर मिल जाती राइट right? सो दिस इज़ द वे कुछ आपको इस तरीके से सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको फास्ट सॉल्व कर पाएँ ओके okay?